प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का करना। अब क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना होना पाया जाता है। उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। संस्कृत में संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और हिंदी में उन्हीं के साथ है ना प्रत्यय लगता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्रिया का अर्थ किसी कार्य का करना, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना आदि ये क्रियाएं। और क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और हिंदी में उन्हीं में ना प्रत्यय लगता है। जैसे देखिए, लिख से लिखना, लिख प्लस ना, नंबर एक। नंबर दो, पढ़ से पढ़ना, पढ़ प्लस ना। नंबर तीन, चढ़ से चढ़ना, चढ़ प्लस से ना। और नंबर चार, दौड़ से दौड़ना,
होगा दौड़ प्लस है नाम, दौड़ है प्लस नाम। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, लिख से लिखना, लिख प्लस ना प्रत्यय मिलकर के लिखना होगा। आर पढ़ से पढ़ना, पढ़ प्लस से ना पढ़ना, चढ़ से चढ़ना और दौड़ से दौड़ना। अब इसके बाद हम क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के भेद कर्म प्रयोग, कर्म प्रयोग तथा संरचना, संरचना और काल के आधार पर, और काल के आधार पर काल के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद होते हैं। भेद होते हैं अब ध्यान दीजिए क्रिया के भेद कर्म प्रयोग तथा संरचना और काल के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद होते हैं। अब हम नंबर एक लेंगे, नंबर एक कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर एक देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर एक,